नमस्कार, मैं श्रेया। तो आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। बता दें कि वाराणसी के मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मठ से हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज यानी सोमवार 8 अप्रैल 2024 को त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की झांकी देख श्रद्धालु निहाल हो उठे। जगह जगह शोभा यात्रा का विभिन्न व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा को मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मठ के महंत पीठाधीश्वर शंकरपुरी जी महाराज ने रवाना किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पातालपुरी मठ के महंत बालक दास महाराज, गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी रामनाथ महाराज जी मौजूद रहे। शोभा यात्रा मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मठ से प्रारंभ होकर बुलानाला, नीची बाग चौक, गोदोलिया होते हुए चितरंजन पार्क पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान लगाए जा रहे जय श्री राम के जयकारे से समूचा शहर गूंज उठा। इस अवसर पर अमृत सिंह भोला, सुनील सिंह, आशुतोष सिंह, मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, शनी गुप्ता, रुद्र पांडे, ओम प्रकाश जायसवाल, अश्विनी गुप्ता, विनय चौरसिया, उमेश सिंह, नीतीश सिंह, रौनक, विकास यादव बाबू, अभिषेक श्रीवास्तव, मनीष वर्मा, सनी मौर्य, दिनेश अग्रहरी, सौरभ सिंह, श्रवण मिश्रा, प्रमोद चौरसिया, मनीष वर्मा, राजन चौरसिया, गप्पू सिंह, अंशुल तिवारी, विकास जैन एवं शहर के विभिन्न व्यापार मंडल के सम्मानित पदाधिकारी गण एवं समस्त जिला इकाई, सदर तहसील इकाई, 12 मंडल इकाई के देवतुल्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 की पूर्व संध्या पे त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में गोरखनाथ मंदिर मैदागिन से ये भव्य शोभा यात्रा निकली है और बहुत ही उत्साह के साथ इस यात्रा को यहाँ कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। शहनाई के साथ, बैंड के साथ, ढोल के साथ, डीजे के साथ, बहुत उत्साह उमंग है क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली बार प्रदेश नववर्ष मना रहा है। बहुत उत्साह है काशीवासियों के और नौजवानों के अंदर। आप देख रहे हो कि जगह जगह पे व्यापार मंडल और तमाम संस्थाओं के लोगों ने इस यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। इस अवसर पे मैं सभी के मंगलमय की कामना करता हूँ। भोला जी, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, उसका कितना असर हो रहा है इस यात्रा का? देखिए, पूरा देश राममय है, राममय में दूसरा कोई नाम नहीं चलेगा। तो कह लीजिए कि जो होना है राम नाम के नाम पे जो है और विकास के नाम पे बहुत बड़ा परिवर्तन पुनः देश के अंदर होने जा रहा है। जो क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।